भैया मेरे आसपास लोग बहुत मतलबी हैं, मेरे दोस्त भी मतलबी हैं। अब रिश्ता ऐसे ही लोगों के साथ रखना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है कई बार। तो मैं कैसे अपनाऊं कि लोग मतलबी होते हैं, या जो मेरे दोस्त हैं वो मतलबी हैं, उनके साथ कैसे रिश्ते को निभा पाऊं जबकि चीज़ें मेरे को इतना चुभती हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। देखो, एक मछली पानी में रहती है और पानी में ही सांस लेती है। आप हवा में सांस लेते हो। आप सोचते हो कि ये पानी में सांस क्यों ले रही है, खुली हवा में सांस लेना चाहिए इसको। बेचारी कितना घुट घुट कर जी रही है, निकाल दो उसको पानी से बाहर, कुछ क्षण में तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी रचना इस तरीके से हुई है कि वो पानी में जी पाए, सांस ले पाए, और आपकी रचना हुई है इस तरीके से कि आप हवा में सांस ले पाओ। खुली हवा आपके लिए अच्छी हो सकती है, उसके लिए नहीं। एज सिंपल एज दैट। तो सरल शब्दों में बोलूं तो वो इंसान मतलबी है, सेल्फिश है। अपनी जीन्स की वजह से हो, परवरिश की वजह से हो, या किसी भी कारण से हो, वो उसका जीवन जीने का तरीका है और उसको एहसास है ही नहीं कि मैं मतलबी हूँ। कि मतलबी होना गलत होता है, उसको लगता है कि जीवन जीने का यही सही तरीका है। तो अगर आप सोचो कि वो व्यक्ति अचानक से सेल्फलेस बन जाए, मतलबीपना छोड़ दे, सब कुछ दूसरों के लिए करने लग जाए, अपने लिए कुछ ना करे, तो ये ठीक वैसा ही हो जाएगा कि आप एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो और कहो कि जा बेटा, खुली हवा में सांस ले, मस्ती कर। नहीं जी पाएंगे, घुट जाएंगे, नहीं ले पाएंगे सांस। उन्हें वापस पानी में जाना ही होगा, वो जैसे हैं उन्हें वैसा बनना ही होगा दोस्तों। तो तुम क्या चाहोगे कि वो घुट घुट कर जीवन जिए? वो तुम्हारे एहसानों के तले, तुम्हारी बातों के तले दब भी जाएगा तो वो घुट कर जिएगा, क्योंकि उसके जीवन जीने का तरीका ही वही है। वो तुम्हें खुश करने के लिए सेल्फलेस बन भी जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन वो खुश नहीं रहेगा, वो निरंतर घुटेगा। और घुटे हुए रिश्ते कब तक चल पाएंगे? तो बेहतर है उन्हें समझो, ये इंसान मतलबी है, ये इसके जीवन जीने का तरीका है। उन्हें माफ़ कर दो कि इसके जीवन जीने का तरीका यही है, इन्हें नहीं पता कि मैं ऐसा हूँ। ये खुद को नहीं सुधार सकते, इनकी कोडिंग इसी तरीके से हुई है। एक रोबोट है, तुमने उसे रेस्टोरेंट में वेटर बना दिया, लेकिन उसकी कोडिंग में गलती हो गई। वो एक बार में किसी की बात नहीं सुनता, जब 3 बार बोलोगे तो सुनेगा। तो सब लोग चाहे उससे चिढ़ते रहें, चाहे जो मर्जी कर लें, वो उसकी कोडिंग है। हम इंसान भी एक लिमिटेड फ्री विल में जी रहे हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें प्री सेट हैं, हमारे अंदर फिट की हुई हैं कर्मों के अनुसार। तो इस बात को अपना लो कि वो हमेशा अपनी सहूलियतों को तुम्हारे ऊपर ही चुनेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो अपनी ज़रूरतों को तुम्हारी सहूलियत के ऊपर चुनेंगे, वो अपनी सहूलियतों को तुम्हारी ज़रूरत के ऊपर चुनेंगे। पर ये देखने की कोशिश करो कि क्या इस इंसान के अंदर उसके अलावा कोई अच्छाई है। जैसे अगर उनकी सहूलियत पर बात नहीं आ रही तो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, तुम्हारी मदद भी कर रहे हैं। जब भी तुम अकेले पढ़ते हो आ जाते हैं, तुम्हारी बातें सुन लेते हैं, पूरी मस्ती कराते हैं। ढूंढो क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उनमें जिसकी वजह से तुम उनके साथ हो, वरना तुम भी उतने ही मतलबी हो जितने की वो हैं, वरना तुम भी उनका साथ छोड़कर जा चुके होते, उन्हें लात मार चुके होते। अपनी भावनाओं के लिए, अपने मतलब के लिए तुम भी उनके साथ जुड़े हुए हो, तो इस बात का एहसास करो कि मैं क्यों उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। तुम किसी भी क्षण किसी भी इंसान के जीवन से जा सकते हो, पर नहीं जा रहे, कारण तो होगा ही ना। तो बार बार खुद को ये एहसास दिलाओ कि ये काम ये बहुत अच्छा कर रहे हैं जो मेरे जीवन को शूट हो रहा है, मेरे मतलबी पने को शूट कर रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ। चाहे ये बड़ी अच्छी अच्छी पार्टीज़ होस्ट करते हों, मुझे बड़ा आनंद आता है, चाहे इनकी मौजूदगी मुझे सुकून दे देती हो, बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है इनकी, तो उनके साथ होकर मैं बड़ा ही सिक्योर फील करता हूँ। वो भी कारण है, तुम्हारा होगा अलग होगा, उसका एहसास करो और उनकी बुराई को अपना लो। अगर तुम्हें ये बात अभी भी बुरी लग रही है, बहुत बुरा लग रहा है उनका मतलबीपन, तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पीछे मुड़ो, चलते बनो और उनसे बहुत दूर हट जाओ।
एक इंसान हो, दो इंसान हो, 10 इंसान हो, दूर हो जाओ, पूरी दुनिया तो ऐसी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा मतलबी तो सभी होते हैं, पर आज जो 4 लोग तुम्हारे सामने मतलबी हैं, पीछे मुड़ो, दूर हो जाओ। तुम्हें खुद का साथ मिला है, अपना अंतर मन मिला है, अपनी आत्मा मिली है जीने के लिए। तुम अकेले कभी नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए लोग साथ नहीं होंगे, फिर आ जाएंगे, तुम भी मुड़ के चलते बनो। अगर इतना ही बुरा लग रहा है, नहीं जा रहे तो फैसले से मत जाओ कि नहीं नहीं मुझे तो सहूलियत मिल रही है तो इसकी बुराइयों को सह लेता हूँ और इसका साथ निभा लेता हूँ। या फिर अपनी दोस्ती को कमज़ोर कर दो, कच्चा कर दो, कैजुअल फ्रेंडशिप बना लो। टाइम पास करना है, मज़े लेने हैं, पर दिल नहीं लगाना ज़्यादा। अब अपेक्षाएँ इनसे नहीं रखनी है। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, किसी इंसान की किसी गलत हरकत की वजह से, गलत स्वभाव की वजह से तुम मत नीचे गिर जाना। तुम अपने स्वभाव को मत गिरा लेना, क्योंकि वो तुम्हारी अच्छाई को अपना नहीं पा रहा। उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तुमने अपनी अच्छाई छोड़कर उसकी बुराई अपना ली और तुम्हारे पास ऑलरेडी अपनी बुराइयाँ भी है, तो तुम उससे भी ज़्यादा बुरे आदमी बन जाओगे, समझो। तुम्हारा व्यक्तित्व कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे कहने पर नहीं बदला, पर तुम उसके कहने से बदल गए। तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना, तुम्हें अपना आचरण, अपना स्वभाव बनाए रखना है, ऊँचा व्यक्तित्व बनाए रखना है। हिम्मत रखो अकेले पढ़ने की और दूर चले जाओ हर एक नकारात्मक इंसान से। और मैं खुद कहूँगा, यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गया, कोई अच्छाई है ही नहीं, ज़बरदस्ती रिश्ता टिका हुआ है, बहुत मतलबी हैं और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल अकेले चले जाओ, अलग हो जाओ, छोड़ दो उनको। एक ही जीवन मिला है, घुट घुट कर बिता दोगे, इससे अच्छा है कि अकेले रह लो, दुख सह लो, संघर्ष कर लो। ईश्वर से जुड़ जाओ, आध्यात्म से जुड़ जाओ, खुद से जुड़ जाओ, बहुतों का साथ तुम्हें मिट जाएगा। या फिर किसी काम के प्रति जुनून ले आओ अपने अंदर, फिर वही दोस्त, वही साथी, सब कुछ वही। तुम्हारी भलाई इसी में है। लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है, जो उनका नेचर है, उसको रजिस्टर करना बंद कर दो, अपने हिसाब से उनको ढालना बंद कर दो, वो प्रयास करना बंद कर दो, उनको भी थोड़ा खुला छोड़ दो, थोड़ा जीने दो चैन से। अगर उन्होंने चुनाव किया होता मतलबी होने का, वो वैसे ना होते तो तुम्हारी अच्छाई देखकर, तुम्हारी भावनाएं देखकर वो वैसे ही बदल जाते। वो एहसास कर लेते कि मैं इस मतलबी बने की वजह से इसको खो दूंगा, और वो खुद ही उस चीज़ को समझ जाते और अपने आप को बदल लेते। पर जिसका नेचर ही वैसा है, वो बेचारा क्या करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एहसास मत दिलाओ, परखना है, समझना है, तो उसके लिए उसको एहसास दिलाना ज़रूरी है। पर बदतमीजी मत करो, पर उसको अच्छाई करके बताओ, जता दो कि देख मैं तेरे साथ खड़ा हो गया, बात ख़त्म। वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ तो बोल दो कि तू मेरे साथ बुरे वक्त में खड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मत खड़ा हो। 3-4 बार जब एहसास दिलाओगे, या तो वो इंसान शर्मिंदा हो जाएगा, या फिर वो प्रयास करेगा बदलने का, पर नहीं बदल पाएगा। 1-2 बार करके फिर वैसा ही हो जाएगा, या वो इंसान कह देगा कि मैं ऐसा ही हूँ, तो बोल मैं ऐसे ही जीऊँगा, तो चले जाना दूर। रोक तो नहीं सकता ना गर्दन पकड़ के तुम्हारी, परखने के लिए एहसास ज़रूर दिलवा दो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता कि तुम गलत हो, वरना हो सकता है कि वो कोई गलती ही कर रहा हो, अनजाने में कर रहा हो और सुधर ही ना पाए, और सुधरने का मौका भी तुम उससे छीन लो। और अगर आपने चुन लिया है कि मुझे इसके साथ दोस्ती को कायम रखना ही है, चाहे ये मतलबी क्यों ना हो, तो जो भी तुम उनके लिए करते हो, वो अपने फैसले से एक अच्छाई की तरह, दान की तरह कर देना, कि दे दिया, वापसी नहीं चाहिए। वो कोई लोन नहीं दिया जिसके बदले में वापसी चाहिए तुमको। जो भी कर रहे हो अपनी खुशी से कर रहे हो, क्योंकि उसके बदले में कुछ सहूलियतें आपको मिल रही हैं, क्योंकि वो रिश्ता आपको कायम कर रखना है इसीलिए कर रहे हो। इसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं करोगे अगर नहीं मिला आपको रिटर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।